हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो सबसे पहली बात जी, बहुत ठंड हो गई है, ध्यान रखें अपना अपना, तबीयत बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ठीक रहेगी तभी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि समझाने के लिए मैं बैठी हूँ। ओके, सो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जी प्रज्ञता। प्रज्ञता का मतलब ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं, PRAGYATA, ठीक है। तो कितने लेटर्स हो गए, चार और चार आठ। तो इन आठों का कुछ ना कुछ मतलब है, यानी एक तरीके से ये एब्रीवेशन है। सो यहाँ पे आप ये स्मॉल में लिखने के बजाय कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके, क्योंकि हर एक का एक मतलब निकल के आएगा बाद में, ओके। और ये गाइडलाइंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज की गई है फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो ये बात तो हम सबको पता है कि कोविड के दौरान ये चीज़ें ज़्यादा उठी, जैसे हम कोविड को भी ऐसे लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं ना कैपिटल्स में। तो वो बस ध्यान रखें कि प्रज्ञता को आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसका मतलब है। दूसरी चीज, कोविड के दौरान जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे या स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, उस टाइम पे ये चीज निकल के आती है कि भाई कुछ तो लर्निंग के लिए करना पड़ेगा ना। तब वो डिजिटल एजुकेशन या मोबाइल पे क्लासेस लेना जूम के थ्रू या फिर आपके गूगल मीट के थ्रू, वो चीज़ पिक्चर में आती है। तो जब वो चीज़ पिक्चर में आ गई है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, या स्कूल के जो हेड हैं उनके लिए हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँ, क्योंकि इससे पहले वो चीज़ हुई नहीं थी, सब लोग सब ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ते थे। बट जब डिजिटल लेवल पे एजुकेशन आ गई तो गाइडलाइन की जरूरत वहां पर पड़ी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज की गई। सो बीइंग अ टीचर, अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं तो, या फिर बीइंग अ टीचिंग एस्पिरेंट, अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए करंट अफेयर्स में आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, भले ही कोविड जो है वो 2019 में ज्यादा एक पेंडेमिक की तरह हमारे सामने आया था 19-20 के दौरान, लेकिन अभी भी उसके वेरिएंट जो है वो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं कि अच्छा इतने केसेस आए, इतनी चीजें हुई। सो इंपॉर्टेंट है प्रज्ञता गाइडलाइंस, ओके। सो प्रज्ञता गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है। इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें इसमें मेंशन है, ओके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है, ओके। अब बात आती है कि इस चीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे प्रज्ञता गाइडलाइंस में। तो इसमें छह सेक्शंस हैं जी पूरी की पूरी गाइडलाइन की, अगर आप पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ देखेंगे तो। मैं नीचे जो है उस ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देख सकते हैं, ओके। सो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन, तो डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन है क्या उसको समझना, क्योंकि बेसिक्स से बात करेंगे अगर आप गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं तो, कि होती क्या है चीज। देन प्रज्ञता स्टेप्स फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया कि ये आठ लेटर्स हैं, सो ये आठ स्टेप्स हो गए, ओके। देन सेक्शन थ्री गाइडलाइंस रहेंगी स्कूल के हेड, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन फोर जिसमें गाइडलाइंस की बात की गई है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन फाइव जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस हैं। और सिक्स सेक्शन में हमें बताए गए हैं कुछ एक नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स डिजिटल एजुकेशन के लिए और टीचर प्रिपरेशन के लिए। सो प्रज्ञता गाइडलाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें आपको कुछ एक नेशनल इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे, वो भी आपको कवर करने हैं, उनको जितना डिटेल में आप कर पाए वेल एंड गुड, ओके। एंड देन हम कंक्लूजन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये छह सेक्शन विद कंक्लूजन शुरू करते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने एक वो होता है ना बेस आपका ऑलरेडी सेट कर दिया है कि ये चीजें कब शुरू हुई, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान शुरू हुई, जब हमारी नॉर्मल लाइफ थोड़ी सी अब नॉर्मल होने लग गई और एक न्यू नॉर्मल का जमाना हमने देखा। सो वहां पे स्कूल्स जब बंद हो गए थे तो जो एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर था कि भाई और भी टाइम तक बंद रह सकते हैं स्कूल्स, तो फिर सोचा गया कि लर्निंग का तो लॉस हो रहा है, बच्चे जो है अब सीख नहीं पा रहे हैं, घर पे बैठे बैठे वो सिर्फ टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए और ये जो इम्पैक्ट था हमारा पेंडेमिक का स्कूल्स के ऊपर, तो उसके लिए हमने क्या मिटिगेट किया कि हमें रीमॉडल करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें री इमेजिन करने की भी जरूरत है कि हम कैसे जो है
लर्निंग को, स्कूल्स को आगे बढ़ाएंगे, वो चीज एक पिक्चर में आ जाती है कि भाई अब कैसे किया जाए, स्कूलिंग एट होम, स्कूलिंग एट स्कूल, क्या चीज रहेगी। सो एक मिक्स के ऊपर हम पहुंचते हैं कि ठीक है, जब हम खोलने की स्थिति में होंगे तो हम स्कूल खोल देंगे, लेकिन तब तक हम ऑनलाइन एजुकेशन ये पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, ये बात कहीं पर भी मत सोचिएगा कि ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन या ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। पॉइंट ये है, ऑफलाइन तो बेटर होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें फेस टू फेस ज्यादा चीजें रहती हैं और आप बेटर तरीके से सीख पाते हैं। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से ऑफलाइन इज बेटर, बट इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, चाहे वो कोविड हो या कोविड के बाद की सिचुएशंस हो, सो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ब्लेंडेड एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और हो रही हैं भी बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जगह हैं, रिमोट एरियाज हैं, जहां पे ब्लेंडेड पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ओके, सो ब्लेंडेड पे ही फोकस करेंगे, ब्लेंडेड को चूज करेंगे, वो बेटर मानी जाएगी, जहां पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रिसोर्सेज को मिला के बेटर तरीके से लर्निंग को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकती क्लासरूम लर्निंग को, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है ऑनलाइन में। फ्लेक्सिबल कैसे कि आप अपना टाइम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़ती है, लर्नर की स्पीड के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो सकती है। सो ये सारी चीजें एक तरीके से क्या है, एडवांटेजेस हैं डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन के। ओके, अब जो इंटरनेट जो बहुत रैपिडली पेनिट्रेट हुआ है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के भी कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं। तो जैसे जो डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंडर एक मतलब वो एनवायरमेंट क्रिएट किया गया, वो हमें डिजिटल एजुकेशन की तरफ लेके जाता है। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या है डिजिटल एजुकेशन का? सो डिजिटल एजुकेशन क्या है, जिसमें आप प्राइमरली कंसर्न्ड हैं कि जो आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, जो यूजुअली ट्रेडिशनली क्लासरूम्स में होता था, अब वो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। सो डिजिटल मीडियम की वजह से, मतलब मीडियम जहां पे डिजिटल है वो, और आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो डिजिटल एजुकेशन हो जाएगा। ओके, अब इसमें ये भी मतलब इवॉल्व हुआ है एक्टिविटीज से, कि आप पहले शेयर कर रही हैं चीजें, फिर आप ऑनलाइन सबमिट कर रही हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ रही हैं, तो वो चीजें इवॉल्व हुई हैं धीरे धीरे करके। शुरुआत में टीचर्स ने क्या किया था, आप लोगों को होमवर्क भेज देते थे, आप करने की कोशिश करते थे, पेरेंट्स हेल्प कर देते थे, उसके बाद क्लासेस लगनी शुरू हुई, राइट। सो वो एक तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो कॉन्टिन्यूस एडवांसमेंट है आईसीटी का, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का, उसकी वजह से डिजिटल एजुकेशन बहुत सारे मोड्स में पॉसिबल है। ऑडियो मोड में पॉसिबल हो सकती है, वन वे वीडियो हो सकती है, टू वे वीडियो हो सकती है। सो बहुत सारे मोड्स में डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ आईसीटी एंड इंटरनेट, क्योंकि वो बहुत रैपिडली स्प्रेड हुए हैं और कॉन्टिन्यूटी में एडवांसमेंट हमें उनमें देखने को मिलती है। ओके, तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, अगर हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सो हाउसहोल्ड्स को यूजुअली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक घर जिसके अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन या एक 4G इंटरनेट कनेक्शन, उसके साथ साथ टीवी भी है, ठीक है, वो डाटा केबल या DTH केबल टीवी कनेक्शन है, ठीक है, ये एक घर हो गया। दूसरा घर जिसमें ये सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन एक स्मार्टफोन है 4G नेटवर्क के साथ। देन एक और घर है, वही अलग टाइप का थर्ड नंबर कैटेगरी, जिसमें स्मार्टफोन है लेकिन वो 4G नेटवर्क के साथ नहीं है, 3G, 2G या फिर इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ओके, देन एक घर में सिर्फ टीवी है जिसके पास एक DTH या केबल कनेक्शन हमारे पास है। देन हमारे पास 5th कैटेगरी है रेडियो सेट की, या एक बेसिक मोबाइल फोन आपके पास है। और 6th घर जिसके अंदर ये सारी के सारे डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो ये एक तरीके से हमने कैटेगराइज किया ताकि हम बेटर तरीके से समझ सकें कि डिजिटल एजुकेशन हम कर कैसे पाएंगे, राइट। सो बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे भी हैं इनमें से जहां पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जो हमने 6th कैटेगरी पढ़ी, ठीक है। तो इसलिए दो टाइप ऑफ ऑनलाइन लर्निंग या टीचिंग को हम डिवाइड करते हैं, बैलेंस करने की जरूरत है स्कूल को। एक है सिंक्रोनस और एक होगी असिंक्रोनस। तो अब सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग, या आप क्या आगे सिंक्रोनस असिंक्रोनस जहां लगा मिले उस चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम टीचिंग, ओके, जिसके अंदर आप चाहे एक मतलब वो होता है ना, रियल टाइम इज लाइक सेम टाइम पे हो रही है चीजें, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी या अभी भी चलती हैं अगर आप मान के चले तो। तो उसमें भले ही आप जो हैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर का कैमरा ऑन है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, सामने से आप क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं। सो वो वन वे वीडियो हो गया,
ठीक है। दूसरा ये भी वन वे वीडियो टू वे ऑडियो हो गया, क्योंकि बोल तो दोनों ही रहे ना, क्वेश्चन तो बच्चे भी पूछ सकते हैं। सो वो वन वे वीडियो या टू वे ऑडियो, टू वे वीडियो, तो ये सारी चीजें वहां पर पॉसिबल हैं। तो ये सिंक्रोनस हो गई, जहां पे इंस्टेंट फीडबैक जो है वो शामिल है कि बच्चे इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं लाइव क्लास लेती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या उसी टाइम लाइव चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम पे सेम टाइम पे जवाब दे सकती हूँ। तो देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन, आप ये मान के चल सकते हैं, एक सिंक है, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के बीच में। अब जैसे ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो अपलोड हो गई है, राइट। सो वो एसिंक्रोनस है कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, जब मुझे टाइम मिलेगा या जब मैं देखूंगी वो कमेंट सेक्शन, उस टाइम पे मैं आपका जवाब दे सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये रियल टाइम से कनेक्टेड नहीं है, इंस्टेंटली नहीं हो रही है चीजें। सो जैसे ईमेल्स हो गए, एसएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, या ई कंटेंट सर्व कर रहे हैं आप दीक्षा ऐप के ऊपर, या रेडियो सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं आप, तो वो सारे के सारे माध्यम क्या हो गए जी, एसिंक्रोनस हो गए, जहां पे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, राइट। अब इंडिया की जो वास्टनेस है ना, क्योंकि ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब मोड्स ऑफ एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन भी तो आएगा, तो इंडिया की वास्टनेस जो है वो एक थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट कर देती है कि कैसे मैनेज की जाएं चीजें, क्योंकि हम ज्योग्राफिकल लेवल पे, सोशियो कल्चरल लेवल पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे बहुत डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है, ओके। सो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जरूरत है कि हम डिसेंट्रलाइज कर दें, क्योंकि मतलब पावर जो है उसको हम बांट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर में बैठा हुआ कोई इंसान सिर्फ फैसले ले रहा है और वही अप्लाई हो रहे हैं, जबकि उस इंसान को यह भी नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं कैसी, ओके? बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड में क्या हो जाएगा, आपने उस पावर को सबको दे दिया है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे फैसले हो रहे हैं, स्टेट पे भी हो रहे हैं, लोकल लेवल पे भी हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड असेसमेंट्स, ठीक है। सो वो चीज क्या हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और उसकी इंप्लीमेंटेशन की हमें जरूरत है जब भी हम डिजिटल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीटी का स्ट्रक्चर क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे आप जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं उन नीड्स के बेसिस पे, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, आप जिस भी मोड को अप्लाई करना चाहें, इंप्लीमेंट करना चाहें, वो फिर आप करेंगे। तो ये फैसला अब लोकल लेवल पे हो रहा है, ना कि सेंट्रल लेवल पे। अगर सेंट्रल लेवल पे बोल दिया कि भाई सबको मोबाइल फोन से पढ़ाया जाए, लेकिन मोबाइल फोन्स बहुत सारों के पास हो सकता है नहीं हो ग्राउंड लेवल पे, राइट। सो वो चीज वहां पर नहीं पता होगी सेंट्रलाइज लेवल पे। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की हमें जरूरत है डिजिटल एजुकेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। पहला है ऑनलाइन मोड, जिसमें कंप्यूटर या स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो यहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है और आप व्हाट्सएप खोले तो आपको ऑनलाइन शो करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन मोड हो गया जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। पार्शियली ऑनलाइन मोड, जिसमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो अवेलेबल है लेकिन रेगुलर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, या तो लिमिटेड है या है ही नहीं, ऐसे वाली सिचुएशन। ऑफलाइन मोड में क्या होगा, यहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है ही नहीं, या फिर बहुत लेस बैंडविड्थ के साथ है। सो ऑफलाइन में क्या आ जाएगा, अपना टेलीविजन या फिर रेडियो वाला मीडियम आ जाएगा, ओके। सो ये मोड्स हो सकते हैं ऑनलाइन या फिर डिजिटल एजुकेशन के, कि या तो आप टीवी पे पढ़ा रहे हैं, रेडियो के जरिए पढ़ा रहे हैं, या पार्शियली ऑनलाइन मोड में, या फिर कंप्लीटली फुल्ली ऑनलाइन मोड में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है प्रज्ञता, यानी जो ये स्टेप्स हैं डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो ये 8 स्टेप हैं, पी से प्लान, आर से रिव्यू, देन अरेंज, देन गाइड, देन वाई से याक, याक का मतलब होता है टॉक। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो यूजुअली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछ लिया जाता है कि प्रज्ञता में याक का क्या मतलब होता है। सो याक का मतलब होता है जी टॉक, क्योंकि बाकी तो प्लान का तो क्या ही मतलब पूछेंगे ना, पी से प्लान हो गया, या फिर आपसे पूछ लिया जाए इसकी फुल फॉर्म बताओ, वो आपको अरेंज करना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 8 के 8 स्टेप, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, या देन ये असाइन और ट्रैक एंड अप्रिशिएट। अब इनका मतलब क्या है तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी प्लान की बात आ रही है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जब आप पढ़ाएंगे ऑनलाइन या डिजिटल लेवल पे। सो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास में, उस क्लास का ड्यूरेशन या टाइम शेड्यूल क्या होने वाला है, डिजिटल डिवाइसेस टीचर्स के लिए या स्कूल के लेवल पे क्या क्या अवेलेबल हैं, देन एक्सेसिबिलिटी है
अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है क्या क्वालिटी रिसोर्सेज की, आपके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट है भी या नहीं, सेफ और सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है। कॉम्पिटेंसीज हैं टीचर्स की जो चेक करनी है कि उनको डिजिटल या ऑनलाइन क्लासेस हैंडल करनी भी आती हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कई बार ये आजकल वो पहले जोक भी चला था ना बीच में कि मतलब टीचर्स जो हैं वो बोले जा रहे हैं लेकिन उनको खुद आइडिया ही नहीं है कि वो म्यूट पे हैं, राइट। सो वो सारी चीजें, कॉम्पिटेंट होना चाहिए टीचर उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि भाई जब प्लानिंग कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है हमें। सो ये कॉन्टेक्स्ट वे में हो गया। लर्नर के वे में भी हो सकता है कि लर्नर की एज क्या, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर, कि बच्चों जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनकी एज, क्लास, फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है कोई, देन इंटरेस्ट उनका किस तरफ है, लर्निंग स्टाइल लर्निंग स्टाइल जो है वो क्या है, या स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएंगी। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में कि बच्चों को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी उनके पास है या नहीं, पेरेंट्स की सपोर्ट है या नहीं जब वो पढ़ रहे हैं। देन कॉन्टेंट से रिलेटेड बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशन या असाइनमेंट का नेचर या फिर असेसमेंट का नेचर क्या होगा। सो ओवरऑल अगर माना जाए तो प्लानिंग में सब चीजें आ गई, चाहे वो बच्चे की एज हो, उसकी क्लास हो, कितने बच्चे उस क्लास में हैं, लर्निंग स्टाइल क्या है बच्चों का, सब्जेक्ट का नेचर क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज होनी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है बच्चों का, डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेसिबिलिटी बच्चों को है या नहीं है, डिजिटल डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी टीचर्स के लिए स्कूल में है या नहीं है, राइट, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, क्लास की ड्यूरेशन, इंटरेक्शन या वीडियो ऑनलाइन कितनी देर रहेगी वो क्लास, असाइनमेंट का, असेसमेंट का नेचर क्या रहेगा, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी, या फिर बच्चा जो है उसके कोई स्पेशल नीड्स तो नहीं है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल क्लास का टाइम टेबल प्लान करना स्कूल्स में। सो ये सारी चीजें प्लानिंग में आ जाएंगी, तो सबसे पहले आपको प्लान करना है कि भाई कैसे करनी है चीजें, ठीक है। प्लान करने के बाद आप उसको रिव्यू करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू करेंगे, टाइम, ड्यूरेशन, रिसोर्सेज की क्वालिटी, असाइनमेंट का स्कोप, इन सारे लेवल पे आप उसको रिव्यू करेंगे, यानी दोबारा से एक बार चेक करेंगे, देखेंगे। रिव्यू करने के बाद आप उनको अरेंज करेंगे कि आप जो है कैसे काम करवाएंगे, कि आप डेली ये काम कराएंगे, देन वीकली ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। सो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करनी है आफ्टर यू कलेक्टेड द रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेंट जो आपको पढ़ा है। देन आप गाइड करेंगे, गाइडेंस टीचर्स के पार्ट पे या पेरेंट्स के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टीचर्स जो है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिंक में रखें, ओके? कि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाना है, इस तरीके से होगी, थोड़ी सेल्फ स्टडी ताकि पेरेंट्स करवा सके पहले से, उनको आप सिंक में रखेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या SMS के थ्रू, या टीचर्स जो है वो बच्चों को अलग अलग जो है चीज़ों के ऊपर गाइड भी कर सकते हैं कि लर्निंग आउटकम डिसाइड किए हुए ये करना है, थीम्स या जो टॉपिक्स हैं जो पढ़ाने हैं वो डिसाइड किए हुए, तो वो सारी चीज़ें गाइडेंस में आ जाएंगी कि गाइड कर रहे हैं टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी। देन बात आ जाएगी जी याकी यानी कि टॉक, तो ड्यूरिंग देयर गाइडेंस टीचर्स को ये क्लैरिफाई करना कि भाई बातचीत हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, ताकि बच्चे भी इंटरेस्टेड रहें उसके अंदर ना। कई बार ऐसे होता है कि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे डिस्कशन के लिए कोई सजेशन नहीं मांगा जाएगा, सो आप बस चुपचाप बैठे हैं, या तो आप वीडियो ऑफ करके अपने दूसरे फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, या यू आर डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू बट यू आर नॉट स्टडीइंग एट दैट टाइम, राइट। तो वो बातचीत वाला जो है वो चीज लेके आना पढ़ाई में वो बहुत जरूरी हो जाएगी। सो वो आपके याक वाली में आ गया। देन असाइन, फिर आपको जैसे ही आपने पढ़ा दिया तो आपको दो या तीन थीम्स या टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स भी देने हैं, ताकि बच्चे जो आपने पढ़ाए हैं उनको पता होगी, इसके बाद उनको असाइनमेंट मिलेगा तो वो ध्यान से सुने, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कॉलेज लेवल पे भी बच्चे नहीं सुनते, लेकिन अगर आप उनको बता देंगे कि इसके बाद इन्हीं टॉपिक्स में से किसी के ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगा तो वो सुन लेंगे और लिख भी लेंगे शायद, ताकि उनको ये रहे कि असाइनमेंट में भी लिख के तो देना ही है, सो इट्स बेटर कहीं और से सर्च करेंगे, ये तो सुन ही लेते हैं टीचर का, राइट। तो वो असाइनमेंट उसके बाद रहेगा। देन असाइनमेंट के बाद आपको ट्रैक भी करना है, जो भी सेशंस आपने लिए हैं या असाइनमेंट आपने लिए हैं तो उनको ट्रैक करना, फॉलो अप करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक फीडबैक आपको यहां से मिलेगा। ट्रैक में भी आप जो है पेरेंट्स से ट्रैक कर सकते हैं, SMS करके ट्रैक कर सकते हैं, कॉल करके ट्रैक कर सकते हैं, तो ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि आप उनको बोले, या तो ये हो कि उनको असाइनमेंट
में फोटो खींच के भेजने की उसने किया है बच्चे ने काम, या वो नहीं तो आप बोलेंगे कि ये आपकी नोटबुक में भी होना चाहिए, जब स्कूल्स वापस से खुलेंगे या स्कूल में आएंगे तो लेके आएंगे, तो वो ट्रैकिंग वाला पोर्शन रहेगा। एंड देन लास्ट ए जो है वो स्टैंड्स फॉर अप्रिशिएट, कि बच्चों ने जब टास्क कंप्लीट किया है तो टीचर्स बच्चों को कॉम्प्लीमेंट दे, उनको मैसेजेस भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो वो बहुत जरूरी हो जाता है अप्रिशिएशन, क्योंकि जैसे ही मतलब बच्चा उससे बेटर फील करेगा ना। और चूंकि ये डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि आप फेस टू फेस तो मिल नहीं रहे हैं, तो बच्चे को कनेक्टेड फील होना बहुत जरूरी है। और वो कनेक्शन आप जो है एक छोटे से मैसेज के द्वारा कि वेल डन, आज आपने ये कर लिया कंप्लीट, आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, सो आप ऐसे ऐसे मैसेजेस जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। ये प्रज्ञता के अपने स्टेप्स हो गए, 8 के 8, प्लानिंग से लेके अप्रिशिएशन तक। ठीक है जी, देन बात आती है स्कूल के जो हेड है या टीचर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी। तो गाइडलाइंस में सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको नीड को असेस करना है बच्चों की, ठीक है, एंड देन उस अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, देन उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, साइबर सेफ्टी को ध्यान रखना। कुछ एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहां मेंशन है प्री स्कूल ग्रेड 1 और 2 और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, और देन टीचर को प्रिपेयर करना। ओके, सो नीड और असेसमेंट एंड प्लानिंग हमें पता है, हो जाएंगी प्लानिंग तक, हमने ऊपर भी डिटेल में प्लानिंग के बारे में बात की। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। तो डिजिटल एजुकेशन की बात जब हो रही है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 24 घंटे बच्चों को जो है फोन पे बिठा के पढ़ा रहे हैं, उनकी आंखों पे भी असर पड़ेगा। तो काफी चीजें जो है उनको मद्देनजर रखते हुए प्री प्राइमरी लेवल पे अगर आप बात करें, तो जब इंटरेक्शन की बात आए पेरेंट्स या उनको गाइड करने की बात आए, तो 30 मिनट से ज्यादा का वो चीज नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट तक आप फोन पे बातचीत कर रही हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हैं। ओके, देन क्लासेस हो गई 1st to 12th, उसकी बात करेंगे तो आप अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जो है वो रिकमेंड एनसीईआरटी के द्वारा किया गया, उसको अडेप्ट किया जाए। अगर 1st to 8th क्लास की बात करें, तो आपके जो लेक्चर है पूरे दिन में 2 सेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और वो भी 30 से 45 मिनट के। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे रहेगी कि प्राइमरी मतलब आप जो फोकस रखेंगे कि बेटर कौन सी चीज है, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, पहले उसको करवाया जाए। तो ये ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग आपकी 2 लेक्चर से या 2 सेशन से ज्यादा नहीं होगी, जिसमें एक सेशन 30 to 45 मिनट का रहेगा। 9 to 12 थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई है, तो 2 सेशन की बजाय हम 4 सेशन कर देते हैं, कि मैक्सिमम आप 4 सेशन जो है वो रख सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 30 to 45 मिनट जो है वो पूरे दिन में आपके रहेंगे, और बाकी एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी, सो ये इंप्लीमेंटेशन हो गया डिजिटल एजुकेशन का। अब कुछ एक गाइडलाइंस, अगर आप प्री स्कूल ग्रेड 1-2 के लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली वही गाइडलाइंस रहेंगी ना, कि आप बेटर तरीके जो लर्निंग एक्सपीरियंस उनको फेस टू फेस हो रहा था, वैसा ही प्ले वो प्लान करें कि एक जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का हो सके, उनको इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स दिए जाएं ताकि वो आपकी बात सुने फोन पे बैठ के भी, राइट। ओकेजनली ऑर्गेनाइज कीजिए आप कैजुअल और ब्रीफ मीटिंग्स पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, ताकि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए टीचर से, ठीक है, कि क्या वो फील कर रही हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, वो सारी चीजें। पेरेंट्स को आप एनकरेज कर सकते हैं मतलब टू डॉक्यूमेंट द चाइल्ड्स वर्क, कि वो बच्चे का काम डॉक्यूमेंट करें कि आज उसने ये किया ये वगैरह वगैरह, तो वो फोटोज या एक शॉर्ट वीडियो के जरिए पेरेंट्स जो है डॉक्यूमेंट कर सकते हैं बच्चे का काम, ठीक है। देन गाइड किया जा सकता है पेरेंट्स को भी कि वो मॉनिटर करें कि बच्चे किस तरीके के टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कि मतलब क्या कौन से कार्टून्स कौन से प्रोग्राम्स उनके द्वारा देखे जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मॉनिटर करना जरूरी है। देन कुछ एक गाइडलाइंस है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, तो अब हमने बोला था ना 4 सेशन तो इनके हो ही सकते हैं 9 to 12th वाले बच्चों के, तो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 4 सेशन के बीच में आप 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा गैप दे दें ताकि वो रिलैक्स फ्रेशन अप हो जाएं, क्योंकि इतनी देर स्क्रीन टाइम जो है उनका वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीन पे बैठे रहेंगे वो, राइट। देन आप यूज करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के मेथड, जिनसे आप इमीडिएट और कॉन्टिन्यूस फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि फीडबैक जैसे ही मिलेगा तभी तो आप आगे की प्लानिंग करेंगे, आगे की चीजें डिसाइड करेंगे, राइट। बच्चों से रेगुलरली बात करना, उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से किस तरीके से नेट का यूज होना चाहिए, इंटरनेट का यूज होना चाहिए, वो सिखाना, उसके लिए एनकरेज करना जरूरी है। उनके अंदर नेटिकेट्स डालना, यानी एटिकेट्स प्लस इंटरनेट, तो ये नेट का इंटरनेट और एटिकेट्स का एटिकेट्स, तो ये नेट प्लस एटिकेट्स नेटिकेट्स, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करते टाइम आप जब कमेंट करते हैं कोई चीज करते हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे, सो वो भी सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है।
देन बात आती है टीचर प्रिपरेशन की, तो टीचर की जब बात कर रहे हैं हम डिजिटल एजुकेशन के लिए, तो टू फोल्ड प्रोसेस है। फर्स्ट है कि टीचर प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ताकि वो बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएं, और दूसरा है कि वो डिजिटल मीडियम को अपने लिए, कि जो अपडेशंस हो रही हैं एजुकेशन के फील्ड में, नई डेवलपमेंट हो रही हैं, उनको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे वो अपडेट रहेंगे, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, उसी में फर्दर अगर हम बात करें तो वो एक्सप्लोर करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऐप, वेब पोर्टल्स, इन सारी चीज़ों को, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनको देखें कि नेशनल, स्टेट या ग्लोबल लेवल पे किस तरीके के एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जिनसे, जिनको पढ़ के वो खुद को भी अपडेटेड रख सकते हैं और बच्चों को भी एफिशिएंटली पढ़ा सकते हैं। वेबिनार्स अटेंड करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करें। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं टीचर के पर्सपेक्टिव से, कि टीचर को अपडेट कैसे किया जाए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं, ये अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जो कि डेवलप किया है एनसीईआरटी ने अलग अलग स्टेज के लिए, तो उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, फोरम्स का या इंटरेस्ट ग्रुप्स का आप पार्ट हो, कि आप डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं कहीं पे। ठीक है, कॉपीराइटेड एज वेल एज फ्री एंड ओपन रिसोर्सेज यानी FOSs। सो टीचर को भी ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये ओपन रिसोर्स है, ये कॉपीराइटेड रिसोर्स है। ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हैं कि जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है आप उसको फ्री में डाउनलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने नाम पे, तो वो चीज ना हो, इस चीज के लिए भी टीचर्स को भी अवेयर रहना है। ठीक है, पेरेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो इन जनरल जैसे फिजिकल, मेंटल हेल्थ या वेलबींग बच्चों की वो ध्यान में रखें, कि उनसे बातचीत करते रहें, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि वो ठीक भी है या नहीं, मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं, वो देखना पेरेंट्स का काम है, तो वो गाइडलाइंस हैं। सेफ्टी मेजर्स देखना कि बच्चे देख क्या रहे हैं फोन पे, सो वो भी तो ज्यादा जरूरी है ना। कई मतलब डिजिटल एजुकेशन के दौर में आप सिर्फ फोन लेके बैठे और बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। तो वो सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखना, उसके साथ साथ साइबर लेवल पे या मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं वो, या बुलिंग तो नहीं हो रही है उनकी, या वो तो किसी की बुलिंग नहीं कर रहे हैं, सो वो ध्यान रखना भी पेरेंट्स का काम है। टीचिंग और लर्निंग के लेवल पे ध्यान रखना कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या टीचर ने होमवर्क दिया है, किस तरीके से वो बैलेंस करके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज को बैलेंस में रखें, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएंगी, उनकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाएगी अगर वो पूरा दिन बैठे ही रहेंगे ऑनलाइन लेवल पे, सो वो चीजें भी बैलेंस करना जरूरी है। सेफ्टी और एथिक्स रिलेटेड प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है, ताकि ना उनकी बुलिंग हो और ना वो किसी को बुली करें। तो वो साइबर लेवल पे, क्योंकि आप डिजिटल एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वहां पे ऑनलाइन लेवल पे इंटरनेट की वजह से सेफ्टी और एथिक्स जो है वो भी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, वो स्टूडेंट्स का काम रहेगा। देन बात आती है कि सपोर्टिंग ऑनलाइन लर्निंग ऑफ CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। सो उनके लिए भी क्रिएट, क्यूरेट एंड शेयर कंटेंट, कि आप कैसे कंटेंट शेयर करेंगे क्रिएट करने के बाद। सो आप साइन लैंग्वेज वीडियोस या टॉकिंग बुक्स या ऑडियो टेक्टाइल मटीरियल्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग स्पेशल नीड्स आप अलग अलग मटीरियल डेवलप करेंगे। सो वो प्रायोरिटी बेसिस पे रहेंगी चीजें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में अगर एक बच्चा जो है वो स्पेशल नीड के साथ है या दो बच्चे हैं, तो आप सिर्फ बाकी बच्चों के हिसाब से मटेरियल भेज रहे हैं ऑनलाइन लेवल पे। ठीक है, उन दो बच्चों का भी ध्यान रखना है कि उनको कैसे मटेरियल भेजा जाए, वॉइस रिकॉर्डेड भेजी जाए या फिर आप जो उनको विजुअल सपोर्ट के साथ कुछ भेज रहे हैं, सो वो ध्यान रखना भी टीचर का काम हो जाता है सपोर्ट करना। देन CWSN जो उनको एनकरेज किया जा सकता है कि वो साइन लैंग्वेज में NIOS के साइन लैंग्वेज टीवी चैनल को देखे, क्योंकि वहां साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप सिर्फ देख भी सकते हैं, साइन लैंग्वेज में समझ सकते हैं चीजें। वो आपके YouTube पे भी अवेलेबल हैं बहुत सारी वीडियोस, अगर आप NIOS के चैनल पे जाके देखेंगे तो। राइट, देन अलाउ फ्लेक्सिबल वेज, तो अलग अलग तरीके भी, फ्लेक्सिबल तरीके आप जो है उनके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, टास्क या प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, होमवर्क के लिए, सो आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं, अलग अलग तरीके उनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्लस एक्सेसिबिलिटी हो करिकुलम की NCERT की वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी वहां पे ऑनलाइन मोड में आप चीजें देख सकते हैं। ओके, देन बात आती है फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलनेस की, बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थनेस, तो वेलनेस, तो एक एडिक्वेट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ हो रही है इरोगमिक, सॉरी इरोगनोमिक,
हाँ इरेगनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है, पुअर इरेगनॉमिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसमें आपका पोस्चर सही नहीं होता है, आप सिर्फ बैठे रहते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं डिजिटल डिवाइसेस के साथ, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो रही है, सो वो फिजिकल के साथ साथ मेंटल वेलबींग जो है वो भी गड़बड़ रहेगी यहाँ पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिटिंग का पोस्चर बता रखा है कि ये डूज में आ गया, कि ये आपको करना है, और इस तरीके से आपको स्लाउच बना के नहीं बैठना है, ठीक है, कि आपकी यहाँ पे स्ट्रेट हो। देखो ये स्ट्रेट है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल आपकी बैक स्ट्रेट है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आप अगर बैठ के पढ़ रही हैं तो 20 मिनट तक आप बैठे रहिए, देन 8 मिनट तक खड़े रहना है और 2 मिनट तक चलना है, तो वो गैप भी आना चाहिए वो एक्टिविटी में, ऐसा ना हो कि आप जो है पूरा दिन बैठे बैठे ही काम कर रही हैं, ठीक है। देन अल्टरनेट होना चाहिए, पूरा दिन बैठे बैठे नहीं रहना है, बीच में खड़े होकर काम कर सकते हैं आप, पूरा दिन अगर एक ही पोजिशन में बैठे रहेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल भी ठीक नहीं होगी। ये आपको स्लाउच बना के नहीं बैठना है आगे की तरफ, क्योंकि अगर आपका जो है मतलब आगे की तरफ होके आप बैठेंगे या नीचे की तरफ, जैसे ये फोन इन्होंने नीचे पकड़ रखा है और यहां पे थोड़ा सा ऊपर पकड़ रखा है, तो अगर आप नीचे पकड़ेंगे तो आपको यहां से तो बेंड होना पड़ेगा ना, तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी यहां पे, ठीक है। सो आपको ये डूज है कि सेटअप आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से अपना फोन होल्ड कर रहे हैं, ओके। देन फर्दर अगर बात करें तो अपना पोस्चर आपको हर एक 20 मिनट में चेक करना है, थोड़ा रीएडजस्ट करना है, मूव अराउंड करना है, ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन बैठे हैं तो एक बैड पोस्चर की वजह से भी आपको एक बहुत बैड फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से आप काम करना ही पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको योगा, एक्सरसाइज, मेंटल वेलनेस की एक्टिविटीज या फिर एक बेटर लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी है, ओके जी। अब स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी गाइडलाइंस हैं, तो जो चीजें स्कूल लेवल पे स्कूल के हेड या टीचर्स कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को चेक करना, नीड को असेस करना, प्लान करना, शेड्यूल करना, तो वो सारी की सारी चीजें बड़े लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे ये सारी चीजें चेक करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, स्कूल लेवल पे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का है, सो वो सारी चीजें यहाँ पे सेम एप्लीकेबल रहेंगी कि हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। सिक्स सेक्शन में आ जाता है अपना नेशनल इनिशिएटिव। नेशनल इनिशिएटिव में पीएमई विद्या प्रोग्राम के अंडर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किए, तो आपको याद रखना जरूरी है कि पीएमई विद्या प्रोग्राम के अंडर हमने बहुत सारे मोड्स जो हैं मल्टी मोड एक्सेस प्रोवाइड की है 17 मई 2020 से। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है हमारा पीएमई विद्या, जिसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं या शिक्षा वाणी, देन ये डेजी, उसके साथ साथ एक मुक्त वाणी भी आएगा एमएमवी, ठीक है, और फिर ये आईटी पाल या फिर किसके लिए, आईआईटी जेई के लिए है ये प्रिपरेशन, प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। सो एक बार इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। दीक्षा की बात करें तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है जो टीचिंग से रिलेटेड है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, सो एक ग्लोबल यूनिक चीज है ये यहाँ पे, कि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं, पेडागोजी अवेलेबल है, मतलब होता है ना कि विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स, दीक्षा ने मतलब एक अनपैरेलल्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे रखा है कि बहुत सारे यूजर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। स्वयं प्रभा की बात करें, सो अभी के लिए तो आपकी ये जो गाइडलाइंस है इसमें यहाँ पे आपको 32 मिलेगा, बट अगर आप अपडेटेड देखें तो 40 डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा की तरफ से होते हैं फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास तक, बिल्कुल प्राइमरी से मतलब फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक आपको टीवी चैनल्स यहाँ पे नजर आएंगे 40। सो उन टीवी चैनल्स में फर्दर चीजें होती रहेंगी कि 4 घंटे नया कंटेंट है या वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, सो वो सारी चीजें। तो आप मुझे ये बताइएगा, ये 4 घंटे नया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको 5 बार रिपीट करते हैं, या फिर 5 घंटे नया कंटेंट है और 4 बार रिपीट करते हैं, ठीक है, सो ये आपको बताना है मुझे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने स्वयं प्रभाव ऑलरेडी आपको करवा रखा है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेरी रहेगी, ओके। देन स्वयं हो गया, स्वयं की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। आप सोचेंगे ठीक है ना, देख के समझ आ रहा है, लिख देंगे स्वयं की, बट जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं, एक जगह स्टडी की जगह कुछ चेंज कर दिया, एक्टिव की जगह कोई और वर्ड यूज कर लिया, एग्रेसिव या कुछ भी, सो वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं जहां पे कंफ्यूजन आना लाजमी है, इसलिए आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो स्वयं के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो आपको 9 to 12 जो है
या इनफैक्ट 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको चीजें मिलेंगी। तो 34 चैनल्स एनसीईआरटी ने 9 टू 12th के डाल रखे हैं टीचर्स के लिए भी, स्वयं पोर्टल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। एनआईओएस ने सीनियर सेकेंडरी लेवल के डाल रखे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स आपको नजर आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आज का है, क्योंकि मैं स्वयं करवा रखा है मैंने ऑलरेडी, तो स्वयं में कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ओके, देन बात आती है रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो की, इंटरनेट रेडियो की जिसपे हम बात कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे एक ऑडियो सर्विस रहेगी जो अक्रॉस द वर्ल्ड या कहां पर भी आप हैं, जहां पर भी वहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक है मुक्त विद्यावाणी MVV, तो ये फुल फॉर्म पता हो आपको, और ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको पता हो, ठीक है। सो इस पे आपकी बेटर लर्निंग के लिए रेडियो फैसिलिटी है, क्योंकि और कुछ नहीं होगा घर में तो आप रेडियो तो खरीद ही सकते हैं। मोस्ट वो होता है ना कॉस्ट इफेक्टिव अवेलेबिलिटी अगर देखी जाए तो वो रेडियो की आपको मिल सकते हैं, अगर टीवी भी नहीं है तो, क्योंकि टीवी में तो फिर भी लाइट चाहिए होती है, रेडियो में तो सेल डाले ऑन किया और आपको सुन जाएगा। सो मुक्त विद्यावाणी जो है वो शुरू किया गया है, और इसमें रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी 24/7 NIOS की वेबसाइट के ऊपर। ओके, एक है रेडियो वाहिनी। रेडियो वाहिनी जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, लोकल लेवल पे हो गया, कि 6-10 किलोमीटर के अंदर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000,000 लर्नर्स लिसनर्स जो है इंक्लूडिंग लर्नर्स वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो 24/7 एक रेडियो वाहिनी ब्रॉडकास्ट भी आपको देखने को, मतलब सुनने को मिल जाएगा। एक है CBSE का पॉडकास्ट है शिक्षा वाणी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में भी और बाकी एग्जाम में भी शायद पूछा जा सकता है टीचिंग से रिलेटेड, कि शिक्षा वाणी क्या है। तो ये CBSE का पॉडकास्ट है जी, वाणी से हमें समझ आ रहा है रेडियो पे आएगा, शिक्षा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। सो ये एक ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है CBSE की तरफ से, और ये अवेलेबल है एंड्रॉइड ऐप स्टोर के ऊपर भी। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, देन स्पेशल ई कंटेंट किसके लिए, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो यहां पर आपको ई पब या जो डेजी है, डेजी की फुल फॉर्म मैंने ऊपर बताई थी तो बताइएगा, ध्यान रखिएगा, ना भी बताएं तो ठीक है, तो डेजी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें आपको टॉकिंग बुक्स मिल जाएंगी जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स हैं उनके लिए। अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए 270 वीडियोज साइन लैंग्वेज में अलग अलग अक्रॉस द 7 सब्जेक्ट्स आपको नजर आ जाएंगे, और NIOS के चैनल पर आपको ये साइन लैंग्वेज में वीडियोस भी मिल जाएंगी आप देखेंगे तो, ठीक है। देन एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है IIT पाल, मैंने शायद ऊपर IT पाल लिखा हुआ था, सो ये IIT पाल रहेगा। IIT जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, तो यहाँ पे फ्री में IIT JEE के लिए IIT की प्रोफेसर्स बच्चों की हेल्प करेंगे एक सीरीज ऑफ लेक्चर के जरिए। तो ये भी जो है ब्रॉडकास्टेड होंगे किस पे, स्वयं प्रभा के चैनल्स के ऊपर। उसके साथ साथ NTA, तो नेशनल, वैसे तो NTA की फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बट नेशनल टेस्ट अभ्यास जो है वो भी एक ऐप है आपको मिल जाएगी, जहां पे NTA जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे मान लो UGC का एग्जाम कंडक्ट कराता है, UGC नेट का NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, सो वहां पे आपको उनके वो मिल जाएंगे मॉक टेस्ट या चीजें मिल जाएंगी, आप वहां पे अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑनलाइन लेवल पे हेल्प आपके लिए हो जाएगी, इनिशिएटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया जैसे कंट्री जो कि बहुत डाइवर्स है, चाहे हम उसको सोशल लेवल पे देखें, लैंग्वेज के लेवल पे देखें, हर लेवल पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सो उस डाइवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का ना होना, बजट का ध्यान रखना, स्किल्ड मैन पावर या एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाना, वो एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि बाधा हो जाती है हमारे लिए, कि डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो फुल ऑफ चैलेंजेस है, और हमें बहुत सारी वो होता है ना रोटियां ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, रोटियां नहीं पापड़ बेलने पड़ेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं लोकल और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, उस लोकल और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सब लोग आ जाएंगे, और वही नीड ऑफ द आर है हमारी। तो स्टेट लेवल पे, UT लेवल पे SCERTs हैं, स्कूल बोर्ड्स हैं, डाइट्स हैं, बाइट्स हैं, CTs, IASs, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चेंज की मुहिम में, और ना सिर्फ कोविड बल्कि पोस्ट कोविड भी ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। ऐसी कोलैबोरेशन की वजह से ही हम अगर कोलैबोरेट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूटी में, और चीज मतलब होता है ना थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ते हुए लेते रहेंगे, सो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे बच्चों का हम कर पाएंगे, और वही चीजें हमें करनी है कि मुसीबत के टाइम पे भी आप कैसे लर्निंग को जो है वो चालू रख सकते हैं, लर्निंग को जारी रख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गई आपकी प्रज्ञता गाइडलाइंस, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बोर नहीं हुआ होगा, समझ आया होगा।
फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.